राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल रामकथा के पाठों पर आधारित ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम राम का राज्याभिषेक भाग 2। श्रृंखला के पिछले भागों में आपने सुना कि राम के वनवास का 14 वर्ष का समय पूरा हो चुका था। राम सीता लक्ष्मण और अपने अनेक वानर साथियों के साथ पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या लौटने लगे। नंदीग्राम पहुंचकर राम ने भरत को अपनी वापसी का संदेश भेजा। अब सुनिए आगे की कहानी। हे वानर शिरोमणि प्रभु, आप भरत को मेरे आने की सूचना दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा कि ये समाचार सुनकर उनके चेहरे पर कैसे भाव आते हैं। जैसी आज्ञा प्रभु। यदि भरत को इस सूचना से प्रसन्नता नहीं हुई तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। भरत राजकाज संभाले, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। जैसी आज्ञा प्रभु। हनुमान वायु वेग से चले जैसे उड़ रहे हों। मार्ग में निषाद राज गुह से भेंट की, उनसे अयोध्या का हाल जाना, वहां से नंदी ग्राम पहुंचे। उन्होंने भरत से कहा, श्री राम के वनवास की अवधि पूर्ण हो गई है, वे लौट रहे हैं, प्रयाग पहुंच चुके हैं। मैं उन्हीं की आज्ञा से आपके पास आया हूं। भरत की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, आंखों में खुशी के आंसू थे। वे बार बार हनुमान को धन्यवाद दे रहे थे ये शुभ सूचना उन तक पहुंचाने के लिए। उनके चेहरे पर केवल एक भाव था, प्रसन्नता। हनुमान उनसे विदा लेकर आश्रम लौट आए राम के पास। अगली सुबह प्रयाग से श्रृंगवेरपुर होते हुए राम का विमान कुछ ही देर में सरयू नदी के ऊपर पहुंच गया। दूर अयोध्या नगरी के भवनों के शिखर दिखाई देने लगे। सब ने अयोध्या को प्रणाम किया। उधर भरत से सूचना पाकर अयोध्या में उत्सव की तैयारियां होने लगी। नगर को सजाया गया। शत्रुघ्न राज्याभिषेक की व्यवस्था में लग गए। महल से तीनों रानियां नंदी ग्राम के लिए निकल पड़ी। कौशल्या सबसे आगे थी। उन्हें पता था कि राम पहले भरत से भेंट करेंगे।
राम का विमान नंदीग्राम उतरा। उनका भव्य स्वागत हुआ। आकाश राम के जय घोष से गूंज उठा। राम ने विमान से उतरकर भरत को गले लगाया, माताओं को प्रणाम किया। भरत भागते हुए आश्रम के भीतर गए, राम की खड़ाऊं उठा लाए, जिसे सिंहासन पर रखकर उन्होंने 14 वर्ष राजकाज चलाया था। झुककर अपने हाथों से राम को पहनाई। मिलन का ये दृश्य अद्भुत था। सबके चेहरों पर प्रसन्नता थी, सबकी आंखें खुशी के आंसुओं से नम थी। राम लक्ष्मण ने नंदीग्राम में तपस्वी बाना उतार दिया। दोनों को राजसी वस्त्र पहनाए गए। जन समूह राम की जयकार करता अयोध्या के लिए चला। शोभा यात्रा की छटा देखने योग्य थी। नंदीग्राम से चलने के पूर्व राम ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेज दिया। वो विमान कुबेर का ही था। रावण ने उसे बलात् छीन लिया था। सजी धजी अयोध्या नगरी राम के दर्शन पर आह्लादित थी। नगरवासी प्रसन्न थे, उन्हें उनके राम वापस मिल गए थे। माताएं प्रसन्न थीं, उनका पुत्र लौट आया था। मुनिगण खुश थे, राम ने उनकी शिक्षाओं का मान रखा, कभी विरत नहीं हुए। भरत ने अयोध्या का राज्य राम को नंदीग्राम में ही लौटा दिया था। पूरा नगर सजाया गया था, दीपों से जगमगा रहा था, फूलों से सुवासित था, वाद्य यंत्रों से झंकृत था। पूरे 14 वर्ष बाद अगले दिन मुनि वशिष्ठ ने राम का राज तिलक किया। राम और सीता सोने के रत्न जटित सिंहासन पर बैठे। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके पास खड़े थे। हनुमान नीचे बैठ गए। माताओं ने आरती उतारी। मंगलाचार हुआ, शुभ गीत गाए गए। राम ने सीता को एक बहुमूल्य हार दिया, प्रजाजनों को उपहार दिए, अनेक वस्तुएं प्रदान की। सीता ने अपने गले का हार उतारा। वे दुविधा में थी, किसे दें? दुविधा राम ने दूर की। प्रभु सीते
हाँ प्रभु। जिस पर तुम सर्वाधिक प्रसन्न हो उसे दे दो। हाँ प्रभु। लो वत्स, हनुमान माते। सीता ने वो हार हनुमान को भेंट कर दिया भक्ति और पराक्रम के लिए। कुछ दिनों में सारे अतिथि एक एक कर चले गए। विभीषण लंका लौटे। सुग्रीव ने किष्किंधा की ओर प्रयाण किया। ऋषि मुनि अपने आश्रम चले गए। हनुमान कहीं नहीं गए, राम दरबार में ही रहे। राम ने लंबे समय तक अयोध्या पर राज किया। उनके राज में किसी को कष्ट नहीं था, सब सुखी थे, भेदभाव नहीं था, कोई बीमार नहीं पड़ता था, खेत हरे भरे थे, पेड़ फलों से लदे रहते थे। राम न्यायप्रिय थे, गुणों के सागर थे। उनका राज्य राम राज्य था। आज तक स्मृतियों में है। बाल राम कथा इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। मुख्य विषय समन्वयक प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, आलेख मधुकर उपाध्याय, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार मंजू मैनी, नीरज शर्मा और विजय सिन्हा, संगीतकार राकेश पंडित, ध्वनिंकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।